सब्सक्राइब करें टेक्निकल एकेडमी चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे टेक्निकल एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको YouTube के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने वीडियो की व्यू और अपने चैनल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, YouTube पर आप लोग बहुत से टिप्स और ट्रिक्स देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं, शायद आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, नए यूट्यूबर की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी वीडियो यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे कैसे आए, कैसे वो अपनी वीडियो की एसईओ करें, कैसे वो अपने चैनल का एसईओ करें कि उनकी वीडियो रैंक करे और उनके वीडियो पर व्यू और वॉच टाइम अच्छा आ जाए, जिससे उनके सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी गेन हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आप ये वीडियो अंत तक देखें और ये वीडियो पूरी देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है यूट्यूब के लिए, जिससे आप अपनी वीडियो को यूट्यूब सर्च पे फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बात किया कि इस वीडियो में मैं आपको YouTube के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स और YouTube के ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने वीडियो की रैंक बहुत तेजी से कर सकते हैं, आप अपने वीडियो को YouTube के फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। दोस्तों, यहां पर बहुत से यूट्यूबर हैं और सभी अगर इस बारे में वीडियो बनाएंगे तो सबका अलग अलग अपना अपना ओपिनियन होगा, सब अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों, जैसा जिनके साथ होता है, जैसा उन्हें एक्सपीरियंस होता है, वो वैसा ही एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपने YouTube की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर YouTube वीडियो को अपने फर्स्ट पेज पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको अपनाना होगा। इसके ऊपर मैं आगे बहुत सी और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कुछ तीन पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो अगर आप अपनी वीडियो में करते हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आपका वीडियो बहुत जल्दी फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। यहां पर दोस्तों, मैं ना आपको ये बताऊंगा कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ना मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, यहां पर ये सब चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, और ना ही मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि आप अपना थंबनेल अच्छा बनाइए, अपनी वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखिए, ऐसा कुछ मैं आपसे नहीं कहने वाला हूं। दोस्तों, आपको अपने YouTube वीडियो को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ का ध्यान देना होगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात, ये तो सारे यूट्यूबर बताते हैं कि हमको टाइटल अच्छा डालना है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा लिखना है और टैग बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड उसमें डालने हैं जिससे आपकी वीडियो रैंक कर जाए। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इसके इंटरनल पॉइंट है जो बहुत से लोग आपको नहीं बताते हैं। तो दोस्तों, वो ये पॉइंट है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अपना ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका मैं टाइटल डालता हूँ, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा एक टाइटल हो गया। ऑडियंस क्या है, जब भी YouTube पर सर्च करेगी तो कुछ ऑडियंस हो सकता है यही टाइटल डाल के YouTube पर सर्च करे कि हाउ टू ग्रो योर YouTube चैनल, बट बहुत से ऐसे ऑडियंस होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो YouTube पर डालेंगे कि YouTube पर अपना चैनल कैसे ग्रो करें, हाउ टू ग्रो ही कुछ डालकर छोड़ देंगे, ग्रो यूट्यूब चैनल डालकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से सर्च लोग करते हैं, वहाँ पर आपको बैठकर ये सोचना है कि मैं क्या क्या डालकर इसमें सर्च कर सकता हूं। तो मैंने अपना पहला पॉइंट आपको ये बताया कि जैसे मैंने टाइटल डाल दिया अपने वीडियो का, हाउ टू ग्रो माय यूट्यूब चैनल, अब मुझे डिस्क्रिप्शन में क्या करना है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी इस बात का ध्यान दिया होगा, जैसे मैं ये टाइटल डालता हूँ हाउ टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल, तो जितनी भी आप लोग सर्च करके देखिएगा, जितनी भी वीडियो आपके सामने फर्स्ट पेज पर आएगी, उसके डिस्क्रिप्शन में कहीं कहीं कुछ ब्लैक स्पॉट होंगे, मतलब इसमें से कुछ वर्ड डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे दिखेंगे पहली दो लाइन में जो आपको डार्क ब्लैक दिखेंगे। तो ये क्या चीज़ है, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, ये यही चीज़ है कि जो आपने अपने टाइटल में डाला है वही आप अपने डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में डालिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आप सेम टू सेम उठाकर न डाल दीजिए वही चीज़, जैसे हाउ टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल आपने टाइटल पर डाला है, तो हाउ टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल आप
डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में यही उठा के न डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, हाय गाइस टुडे आई विल टेल यू हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से आप डालेंगे अपना डिस्क्रिप्शन तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं होगा और आपका डिस्क्रिप्शन में आपके टाइटल की पहली लाइन भी आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि जो आप अपने टाइटल में डालें वही चीज़ आप अपने डिस्क्रिप्शन के पहली लाइन में डालें, क्योंकि इसमें आपके सारे कीवर्ड आ जाएंगे। जैसे कोई यूट्यूब पे सर्च करता है ग्रो यूट्यूब, हाउ टू ग्रो यूट्यूब, तो सारे कीवर्ड आपको इन्हीं दो चीज़ में मिल जाएंगे। इसमें आपको टाइटल में भी वो वर्ड मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में भी वो चीज़ मिल जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहली दूसरी तीसरी लाइन के कीवर्ड होते हैं, ज़्यादातर जो पहले लाइन में कीवर्ड होते हैं वही डार्क ब्लैक होते हैं, क्योंकि YouTube उन्हीं को ही मैच करता है। पहले लाइन की डिस्क्रिप्शन को वो मैच करेगा, अगर कीवर्ड सेम आ रहे हैं तो वो आपकी वीडियो को वो थोड़ा ऊपर कर देगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि आपने जो पहली लाइन आपने टाइटल में डाला है हाउ टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल, वही सेम चीज़ उठा के आपको टैग में ही डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई इससे रिलेटेड या ये टॉपिक सर्च करेगा यूट्यूब पे तो आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग तीनों में सेम कीवर्ड मिलेंगे दूसरों की वीडियो की अपेक्षा। हो सकता है बहुत से लोग यही ट्रिक अपनाए हों, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केवल टाइटल डाल के ही छोड़ देंगे, बहुत से लोग होंगे जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में डालेंगे टैग में नहीं डालेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो टाइटल आपका है वही टैग में डालेंगे लेकिन डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपने तीनों जगह यही चीज़ डाली हुई है तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग तीनों जगह में से एक भी जगह मिस किए होंगे, एक भी जगह अपना कीवर्ड डाले होंगे ये वाला, उनसे ऊपर आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके वीडियो में वॉच टाइम अच्छा मिल जाए और आपकी वीडियो रैंक कर जाए। क्योंकि दोस्तों आप चाहे जितना अच्छा टाइटल बना लीजिए, चाहे जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, आप अपनी वीडियो में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी किस्मत यूट्यूब पर काम नहीं करेगी तो हो सकता है आपकी वीडियो रैंक ना करे। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर जिसमें कुछ भी नहीं रहता अब, लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे वो रैंक कर जाती हैं। उनमें वॉच टाइम इतना ज़्यादा होता है कि एक बार अगर वो रैंक कर गई तो फिर वो हमेशा सर्च में आती रहती हैं, वॉच टाइम उसमें होता रहता है और उससे उनके सब्सक्राइबर वगैरह बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग यही अपने वीडियो में सेम इसी तरीके से डालना है जैसे मैंने बताया, तो इससे आपकी वीडियो सर्च इंजन में पहले आएगी, हो सकता है पहले पेज में आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, बातों और टिप्स के साथ। बाय बाय।